अभी शायद हम पार्क जाएंगे या मॉल जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए, पार्क होता है या मॉल होता है, जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो गाइज हम लोग पार्क में आ चुके हैं और ऐसे घूमने के लिए आए हैं थोड़ा सा टाइम पास करने के, क्योंकि घर में बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा बोर हो गए, थोड़ा सा घूम लेते हैं एक दो घंटे। तो हम आ गए माइंड फ्रेश करने। तो पार्क बहुत ही अच्छा है, बहुत शांति लग रही है यहाँ पे। तो चलो आते हैं। देवांश भी आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। देखो देवांश चढ़ो ऊपर, चलो 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 आजा कुकी, जल्दी जल्दी जल्दी, तोड़ मत देना भैया, तोड़ मत देना। आप वीडियो के अंदर हो, देवांश आ यार ऊपर चढ़, यहाँ से नहीं जाते, उल्टे काम मत कर, पीछे जा पीछे जा, मैं यहाँ से तेरा हाथ पकड़ लूंगी, चल आ जा, आ जल्दी 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 पकड़ के आना, ठीक है अच्छे से, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, आ जा। बैठ जा, कुछ भी नहीं होगा, हाथ छोड़ हाथ छोड़ हाथ छोड़, यूपी मजा आया। बैठू मैं, बैठ जाओ, अभी पता चलेगा। डरते नहीं है, फिर से बोल। हेलो गाइस, हमने पार्क में आए, हम क्या करेंगे अब, खेलने। हेलो गाइस, हम टीका ना मत जाते भाई, पकड़ो टाइम से ले भैया, ले भैया तो हम पार्क में आए हैं और अब हम पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं और भैया हमें पकड़ेंगे, चलो भैया पकड़ो। हेलो दोस्तों, तो फिर हम बाहर घूमने गए थे तो वहाँ से आ चुके हैं, आके चाय वाय पी ली थी, हम गप्पे मारने लग गए थे जिसमें कि काफ़ी टाइम हमारा लग गया है। तो अब मैं दिए जलाने वाली हूँ क्योंकि हम दिए जलाएंगे, आज भी जलाएंगे और कल भी जलाते हैं, तो
आप लोग बने रहिए। रंगोली मैंने हटाई नहीं है दोस्तों, क्योंकि अच्छी लग रही थी और इतनी मेहनत कौन करेगा बार बार रंगोली ये करने में, है ना। तो फिर अब ये लगाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। लग रहा है तो मैं अपने मम्मी के घर पे जब थी तो वहाँ पे हम धनतेरस से लेके पूरा भाई दूज तक दिए जलाते थे, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं आगे भी जलाऊँ। अच्छा लगता है दिए जलाना ऐसे, क्योंकि दिवाली एक दिन में ख़त्म हो गई, पता ही नहीं लगा दिवाली का, तो मज़ा नहीं आता। कल ही कल दिए जलाऊँ तो ऐसा लगता है कि दिवाली आई कब और दिवाली गई कब। सो हम दिए जलाएंगे अभी लगातार एक दो दिन, ताकि दिवाली वाली पूरी फीलिंग आ जाए। और तो बस इतना ही, अपने अंदर जाके भी एंट्रेंस वाले गेट पे दिया लगा देती हूँ। ओए होए दिया तो बुझ गया। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आप कितने दिन दिया जलाते हैं। ओके, तो शादी से पहले फ्रेंड्स मैं सिलवासा में रहती थी, जो कि दादरा एंड नगर हवेली के अंदर आता है। तो वहाँ पे आज के दिन को न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे आज के दिन को न्यू ईयर बोला जाता है। और जैसे अब यहाँ दिल्ली में हूँ मैं, तो यहाँ पे आज गोवर्धन पूजा है। हालांकि गोवर्धन पूजा ऑल ओवर इंडिया में ही होती है, पर वहाँ पे लोग आज के दिन को न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सब नए कपड़े पहनते हैं, सबको न्यू ईयर विश करते हैं, बट यहाँ पे गोवर्धन पूजा है, तब जहाँ रहते हो वहाँ की तरह ही कल्चर में ढलना पड़ता है। सो ऐसा ही है अभी लाइफ में। आप बताइएगा कि आपके वहाँ पर दिवाली के नेक्स्ट डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और क्या बोलते हैं उस दिन को, ठीक है। और दोस्तों अभी हमें बनाना है खाना, तो देखते हैं आज खाने में क्या बनेगा। कुछ फिक्स नहीं है, सोचा तो आलू गोभी की सब्जी है, अब देखते हैं कि क्या बनाते हैं। इसके पहले वाला जो ब्लॉग था, दिवाली वाला ब्लॉग, मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बीच में फिर गेस्ट आ जाते हैं, कुछ ना कुछ काम आ जाता है तो कर नहीं पाते। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं भूल जाती हूँ ब्लॉग में कोई भी चीज़ को ऐड करना, कि मतलब कोई चीज़ में से हो जाती है, फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि मुझे इसे रिकॉर्ड करना था और फिर मैं नहीं कर पाती, भूल जाती हूँ। तो ऐसे हो जाता है, क्योंकि मुझे अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कोई भी कमी लगती है, कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हो, तो प्लीज़ ज़रूर से आप मुझे दीजिए, ताकि मेरा ब्लॉग और भी अच्छा बन पाए। और आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए प्लीज़। मैं थोड़ा सा फेमस होना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। मैं पहाड़ी वीडियोज़ भी बनाती हूँ, हिंदी वीडियोज़ भी बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग देखिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिए।